नमस्कार। कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातना का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों का वर्णन किया है तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की शोषण पूर्व नीतियों का उल्लेख किया है। कवि स्वयं महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में बंद है। वह वहां के एकाकी और यातनामय जीवन से उदास और निराश हो जाते हैं। कभी रात को कोयल की ध्वनि सुनकर जाग उठता है। वह कोयल को अपने मन का दुख, असंतोष और आक्रोश सुनाता है और कोयल से पूछता है कि तुम रात्रि के समय किसका संदेश लाती हो? मैं यहाँ जेल की ऊंची और काली दीवारों में डाकुओं, चोरों और लुटेरों के बीच में रहता हूँ। यहाँ कैदियों को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता है। पीड़ा में ईश्वर में तुम क्यों बोल उठी हो? क्या तुम्हें कहीं जंगल की भयंकर आग दिखाई दी जिसे देख कर के तुम कूक उठी हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि यहाँ कैदियों को जंजीरों में बांधा हुआ है? मैं दिन भर कुएं से पानी खींचता रहता हूँ किंतु फिर भी दिन में करुणा के भाव चेहरे पर नहीं आने देता। रात को ही जब करुणा गजब ढाती है, तुम बताओ कि तुम रात के अंधकार को अपनी ध्वनि से बेंध कर मधुर विद्रोह के बीज क्यों बोती हो? इस समय मेरे लिए हर वस्तु काली है। तुम भी काली हो, रात भी काली है, अंग्रेजी शासन की करनी काली है। यह काली कोठरी, टोपी काली, कंबल काला, जंजीर काली, सब कुछ काला, सब कुछ मेरे सामने काला ही काला है। यानी मेरा जीवन मुझे अंधकार से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम काले संकट सागर पर अपनी मस्ती भरे गीतों से क्यों तैराती हो? तुझे तो हरी भरी ढाली मिली है और मुझे काली कोठरी। तू आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक रहती है और मैं 10 फुट की काल कोठरी में बंद हूँ। मेरी और तेरी स्थिति में बहुत अंतर है। और इस प्रकार से कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात को कूक उठती है। अपनी कविता की पंक्तियों में कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम का निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। प्रस्तुत काव्यांश में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं कोयल से पूछते हैं कि इस समय तुम रह रह कर क्या गाती हो, अपनी इस ध्वनि के माध्यम से तुम किसके लिए और क्या संदेश लाती हो, मुझे इस विषय में बताओ। कवि अपने विषय में बताता है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची काली दीवारों में डाकुओं, चोरों और लूटमार करने वालों के बीच में बंद हूँ। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती और हमारी ऐसी दशा बना दी गई है कि हम ना तो मर सकते हैं और ना ही भली भांति जी सकते हैं, बस तड़पते रहते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर दिन रात कठोर पहरा होता है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के प्रभाव के समान है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार से अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन के बीच में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब रात काफ़ी बीत चुकी है, चंद्रमा भी मानो निराश होकर के चला है और उसके जाने के बाद तो रात पूर्णतः अंधकारमयी हो गई है। इस कलिमामयी अर्थात गहरे काले रंग वाली
कोयल तू इस अंधेरी रात में क्यों जाग गई, तुझे क्या गम है क्या चिंता है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने मन की निराशा का वर्णन किया है तो दूसरी ओर अंग्रेज के अत्याचारों का उल्लेख भी किया है। चांद का मानवीयकरण इन पंक्तियों में किया गया है। रह रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि की भाषा सहज सरल और भावानुकूल है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि अंग्रेज सरकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर झूठे मुकदमे चलाकर उन्हें कारागार में बंद कर देती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दे सकती थी, इसीलिए तो वे ना जीते थे और ना ही मरते थे, उन पर साथ ही कठोर पहरा भी लगा दिया जाता था। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्ध रात्रि कोची की, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अपनी पीड़ा को कवि इस प्रकार से व्यक्त करता हुआ कहता है कि अर्धरात्रि के समय कोयल की पीड़ा भरी आवाज़ उसे बहुत दुखदाई लग रही है और वह कहता है कि तू इस प्रकार पीड़ा के बोझ से दबी हुई आवाज़ में क्यों बोल रही है, बताओ तो तूने क्या लुटते हुए देखा। तुम्हारी सदा मधुर ध्वनि में बोलने के कारण मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी तुम लगती थी, लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में जो दर्द है जो वेदना है, क्या तुम पागल हो गई हो जो इस प्रकार से आधी रात को कूकने लगी हो, क्या तुमने कहीं जंगल में आग देख ली है जो इस प्रकार तुम वेदना युक्त भाषा में आज बोल रही हो। कवि रात्रि के समय कोयल की कूकने की ध्वनि सुनकर के आशंकित होता है और वह इससे कारण जानना चाहता है कि इस समय वह क्यों बोल रही है, क्योंकि कवि को कोयल की ध्वनि में मृदुलता की अपेक्षा पीड़ा का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत पद में ये जो प्रश्न शैली में रचित किया गया है, जहाँ पर कवि के मन में जिज्ञासा है वहीं काव्य सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। कवि की भाषा सरल और प्रवाहमयी है। कवि ने कोयल के अर्धरात्रि के समय कूकने से किसी के लुटने, कोयल के पगला जाने, जंगल में आग लगने आदि को देखने की कल्पना की है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरक जो जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से पूछता है कि क्या वह देख नहीं सकती है कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जंजीरों के गहने पहना रखे हैं, ये हथकड़ियाँ जो हमने पहनी हुई हैं यही तो ब्रिटिश राज्य के गहने हैं जो वह भारतीयों को पहनाती है। कहने का भाव है कि ब्रिटिश शासक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैरों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ डाल देते थे। कवि पुनः कहता है कि कैदियों से कोहलू चलवाया जाता था। कोहलू होता है तेल लगाने के लिए एक प्राचीन समय का एक होता है जिसमें कोहलू चलाना पड़ता है, बैलों के द्वारा कोहलू को चलवाया जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासक जो थे अत्याचार बढ़ाने के लिए मनुष्य को उसमें जोत देते थे बैल की जगह। कोहलू की आवाज़ जो है वो चरक चूंकि ध्वनि निकलती रहती है और कवि कहता है कि वही उसका जीवन बन गया था। यहाँ कारागार में रहते हुए स्वतंत्रता सेनानी भी मिट्टी पर उंगलियों से ही देशभक्ति के गीत लिखते हैं। मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ। पेट पर जुआ लगाना होता है बैल के सिर पर लकड़ी का एक जुआ बना करके उसे बैल को उसमें बांध देते हैं जो कोल्लू होता है उसमें, और उसे कवि को खींचना पड़ता था, मोट खींचता रहता था वो, अर्थात कुएं से पानी निकालता रहता था। कोल्लू का प्रयोग पानी निकालने के लिए भी होता था और तेल निकालने के लिए भी होता था। मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मैं कुएं से पानी नहीं अपितु ब्रिटिश शासन की अकड़ अहंकार के कुएं को खाली कर रहा हूँ।
कवि पुनः कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगे, यानी दिन में वह करुण भाव अपने चेहरे पर दिखाता नहीं है क्योंकि वह एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी है, ताकि अंग्रेज शासकों को ये ना लगे कि हम यह कार्य करके टूट चुके हैं। इसलिए तू भी रात को करुणा जगाने वाली ध्वनि करके गजब ठा रही है। इन पंक्तियों में कवि की निराशा का वर्णन है और दूसरी ओर अंग्रेजी शासकों के अत्यधिक अत्याचारों को उजागर किया गया है। कवि का कहने का भाव है कि ब्रिटिश शासन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्रूरता और अमानवीय व्यवहार करते थे। वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते थे। साधारण अपराधियों और स्वतंत्रता सेनानियों में उन्हें कोई भी अंतर नहीं लगता था। कवि ने अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार को दर्शाकर भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया कि किस प्रकार से झूठे मुकदमे चला करके उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था, उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती थी, बैलों की जगह पशु के समान उन्हें कोल्हू में जोत दिया जाता था। लेकिन फिर भी कवि का स्वाभिमान यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। उसके चेहरे पर दिन में करुणा के भाव नहीं होते हैं क्योंकि इससे अंग्रेज शासक खुश हो जाएंगे कि वो टूट चुके हैं। इसलिए कोयल से कहता है कि तू भी दिन में ना कूक करके रात को ही कूकती है। अन्य पंक्तियों में वह गाकर कहता है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि ने कोयल से पूछा है कि तुम रात के शांत समय में गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो, इस विषय में कुछ तो बताओ। इस प्रकार अपनी मधुर भाषा के द्वारा तुम क्रांति के बीज बो रही हो, कहने का भाव है कि कोयल की ध्वनि में कवि को विद्रोह की भावना अनुभव हुई है। कवि भी अपनी मधुर भाषा में रचित कविता के द्वारा लोगों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहा है। रात के गहन अंधकार और शांत वातावरण में जब संपूर्ण संसार सोया हुआ है, तब कोयल अपनी ध्वनि के द्वारा हलचल उत्पन्न करती है। इसी प्रकार कवि अंग्रेजों के शासन में व्याप्त अंधकार और अन्याय के प्रति जनता को सचेत करने का संदेश देना चाहता है। अन्य पंक्तियों में वह कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली हे आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पद में कवि ने अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार के साथ साथ ये कहा है कि तुम भी काली हो और रात भी काली है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के कर्म भी काले हैं, अर्थात उनके द्वारा किए गए सारे कार्य बुरे हैं। उनकी कल्पना भी काली है, अर्थात वे बुरा ही सोचते हैं। जिस कोठरी में मुझे बंद किया गया है वह भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, मुझे कंबल भी काला दिया है, और जंजीरें जो हैं जिनसे मुझे बांधा गया है उनका रंग भी काला है। हे कोयल, उनके द्वारा बिठाए गए पहरे की हुंकार सर्पणी की भांति काली हैं, सर्पिनी यानी नागिन। हे सखी, इतना कुछ होने पर भी वे गाली देकर बोलते हैं, किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर जीवन पर संकट मंडरा रहा है, पर भी हमें मरने की अर्थात बलिदान देने की मस्ती छाई हुई है। हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण पर किस प्रकार तैराती हो, मुझे इसका भेद तो बता दो। कवि ने रात, कोयल और अंग्रेजी शासकों के कारनामों को दिखाते हुए ब्रिटिश शासन की काली करतूतों को इन पंक्तियों में भली भांति उजागर किया है। किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता था, फिर भी
स्वतंत्रता सेनानी बलिदान की मस्ती में झूमते रहते थे और कवि ने उनकी बलिदान की भावना के माध्यम से भारतीयों में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। कवि ने काली कोयल, रात्रि काली, ब्रिटिश शासन के कार्य काले, कल्पना भी काली, काल कोठरी भी काली, टोपी कंबल लोहे की जंजीरें सब काले हैं। अन्य पंक्तियों में अपना दुख व्यक्त करते हुए वो कहता है, तुझे मेरी हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कमावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि ने कैदी और कोकिला के जीवन की स्थितियों का अंतर बताते हुए कैदी के जीवन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। कैदी को ऐसे कहता है कि तुझे बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है और इसके स्थान पर मुझे काल कोठरी मिली हुई है, अर्थात वह कारागार में बंद है, जेल में बंद है। तेरे उड़ने के लिए सारा आकाश है जबकि मेरे रहने के लिए 10 फुट की काल कोठरी है, अर्थात उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद किया गया है। इतना ही नहीं, लोग तेरे गीतों को सुनकर के वाह वाह करते हैं, तेरे गीतों की सराहना की जाती है, जबकि मेरा तो रोना भी अपराध है, अर्थात मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ। हे कोयल, तेरे और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर है। तू विषमता को देख करके भी युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। कवि कोयल से प्रश्न पूछता है कि क्या इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ, अर्थात काव्य रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में विद्रोह की भावना ही भर सकता हूँ। हे कोयल, तू ही बता, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर प्राणों का आनंद किसमें भर दो। कवि कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए समूचा संसार रहने के लिए है और कुछ को कैद में बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि संपूर्ण भारत ही कारागार जैसा लगता है। अंग्रेजी शासन के इस अन्याय को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्यव्रत धारण किया हुआ है, हमें उसमें सम्मिलित होकर उनका साथ देना चाहिए। कवि ने कैदी और कोयल के जीवन की परिस्थितियों के अंतर को स्पष्ट किया है। कैदी के जीवन के प्रति भारतीयों के मन में सहानुभूति उत्पन्न की है, साथ ही कवि ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के दृढ़ निश्चय को भी इस पंक्ति में उजागर किया है। मोहन के व्रत पर, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी हैं यहाँ पर। कवि ने कैदी और कोकिला के जीवन को बताया कि कोयल हरी भरी टहनी पर बैठी है और कैदी के भाग्य में काल कोठरी है। इसी प्रकार कोयल खुले आकाश में उड़ान भर सकती है जबकि कैदी 10 फुट की कोठरी में भी बंद है। कोयल के तो गाने की प्रशंसा होती है जबकि कैदी अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों के जीवन में कितनी विषमता जो है उसको कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। कवि ने मोहन यानी महात्मा गांधी के देश को स्वतंत्र कराने के व्रत की ओर भी संकेत किया है।